आज मेरे पास आई है हंटर, तो इसमें दिक्कत यह आ रही है कि कस्टमर के शूज़ ख़राब हो रहे हैं, महंगे वाले, तो ये गियर शिफ्टिंग की वजह से उनके शूज़ ख़राब हो रहे हैं। तो हम इसमें पीछे की साइड इस तरीके से रोड वेल्डिंग करेंगे ताकि उसके शूज़ ना ख़राब हो। तो ये मिरर मैंने लिया हुआ है, देख सकते हो, ये एक्टिवा का है या टिस्टर का भी आप ले सकते हो। इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर रख के नीचे वेल्ड करूँगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मिरर को मैं खोल लेता हूँ, ये टूटा हुआ मिरर था मेरे पास, तो इसे खोल लेता हूँ और इसमें से सलिया निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब इस तरीके से ग्राइंडर की मदद से मैंने इसमें खांचा बना लिया है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से लगेगा, देख सकते हो, थोड़ा इससे नीचे रहेगा इस तरीके से। तो चलो अब मैं इसे यहाँ पर वेल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा गैप होना चाहिए, देख सकते हो, इस तरीके से। ये रिंग और ये हथौड़े की मदद से मैंने इस तरीके से रख के ये वाले पार्ट को थोड़ा बेंड कर दिया है ताकि ये पिन में ना लगे, इस तरीके से, देख सकते हो। इसके बीच में गैप है, जब भी हम इस गियर को गिराएंगे तो ये पिन इसमें अड़ जाती थी, इसके लिए इसको मैंने बेंड कर दिया है ताकि इसमें और इसके बीच में गैप रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें गैप रख के मैं अभी इसे वेल्डिंग करूँगा। चलिए, तो अभी आप देख सकते हो इसमें इतना प्ले है, देख सकते हो इस तरीके से, तो इसमें इतना प्ले है और गैप होना चाहिए, ये आधे इंच से भी कम वाला गैप है, देख सकते हो, इतना एक उंगली जितना। तब इसे मैं खोल लूँगा और प्रॉपर वेल्डिंग कर लेता हूँ। चलिए, तो देख सकते हो आप, इस तरीके से मैंने इसमें खांचा गिराया हुआ। अब इसे इस पार्ट को वेल्डिंग कर देंगे यहाँ पर। तो इसे पहले वेल्डिंग कर लेते हैं, फाइनल एडजस्टमेंट तो मैंने कर लिया है, अब इसे फाइनल वेल्डिंग कर लेते हैं। तो वेल्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये प्रॉपर वेल्डिंग कर लिया है। अब ये पार्ट को मैं यहाँ से काट दूँगा, तो इसे काट लेता हूँ पहले ग्राइंडर की मदद से, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, मैंने ऊपर वाला पार्ट काट लिया, अब इसे फिट कर लेता हूँ। चलिए, अब ये क्लैंप लिया है मैंने, ऊपर की गोटी तो मैंने काट दिए थे, अभी इसे यहाँ रख के हमें कितना ऊपर नीचे रखना है वो चेक कर लेना है। इसे ये ज़्यादा नीचे की तरफ दबेगा, इसके लिए मैंने इसको ऊपर की साइड वेल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और ये दो लाइनिंग गिराई है, जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो इस तरीके से दिखेगा। तो लाइनिंग को मैं दो निकाल के इसको बैंड कर दूँगा, तो ये पार्ट हमारा पैक हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलो मैं इसे कट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो देखिए, दोनों साइड से कट कर दिया, वाइस में पकड़ा के इसका मुंह है जो बंद कर दूंगा, तो इसे फ्लैट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो देख सकते हो इस तरीके से यहाँ वेल्ड हो गया। अब यहाँ वेल्डिंग भर के इसका राउंड शेप बनेगा और ये प्रॉपर वेल्डिंग कर दिया है। गियर शिफ्टिंग भी चेक कर लिया मैंने, आगे पीछे गिरा के प्रॉपर गिर रहा है और लेग भी ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है, तो ये रेडी हो चुका है। अब इसे ग्राइंडिंग वाइंडिंग वगैरह कलर वलर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल दिखाता हूँ ये कैसे रेडी हुआ। तो ग्राइंडर की मदद से मैंने इसमें ग्रिप बना दिया है ताकि शूज़ स्लिप ना हो, देख सकते हैं पूरा वेल्डिंग कर लिया है। अब इसे कलर करूँगा और फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये रेडी हो चुका है, देख सकते हो, मैं इसे आपको गियर गिरा के दिखाता हूँ। देखिए, तो अगर आपके भी हंटर में ये प्रॉब्लम हो तो दिखा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बुलेट मॉडिफिकेशन बाय मिस्टर सेलेस, थैंक यू वेरी मच।